बाबा अवधुनाथ की पवित्र स्थली। सुन रहे हैं आप सिकाडास चिउरा जो बोल रहा है, जिसको हम डोगरी में बींडा कहते हैं, उनकी आवाजें। ये धार्मिक स्थली, बहुत बड़ा बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ दो चार हैं, और इसके पीछे आपको बेल का दरख्त, और ये बहुत बड़ा जो पेड़ है ये है बरुना, और पांच छह पेड़ जो हैं उसके हैं कोकोए के, बकंकत के, जिसको विशाखा नक्षत्र के साथ भी जोड़ा जाता है। जिनका जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ हो उनको इस पेड़ की पूजा करनी चाहिए। बिकंकत, कटाई, कंडेई भी कहा गया इसको, और इस पेड़ को मेडागास्कर गवर्नर्स प्लम कहते हैं, क्योंकि मेडागास्कर के जो गवर्नर थे फ्लाकर्ट, उनके नाम से इसका नामकरण हुआ, फ्लाकर्टिया। और कांटे जो हैं बहुत हैं, तीक्ष्ण कांटे, इसलिए इसका नाम स्वादु कंटक भी है। स्वादु में इसकी जो फल हैं वो मीठे होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, खाए जाते हैं, और कांटा जो है बड़ा तेज होता है, इसलिए इसको कहते हैं स्वादु कंटक। और इसकी जो शाल है इसको गठिया में, आर्थराइटिस और गोट में खास करके बहुत अच्छा माना जाता है इसका काढ़ा पीना। और इसकी बार को, लकड़ी के चिप्स को हम उबाल करके चाय भी बना सकते हैं, कोकोआ की चाय, डोगरी में इसको कोकोआ कहा जाता है। तो इसके पेड़ भी आप देख रहे हैं, इस बार चूंकि बारिशें कम हुई तो फल इतने लगे नहीं हैं। तो एक और पेड़ जो है वो है कैम, कैम का पेड़, मित्रगैना पार्विफोलिया। तो इस तरह से नीचे से इन्होंने इसको प्रोटेक्शन दी है अपने हिसाब से, और वो हो गया वरुणा का पेड़। और ये पेड़ जो है जिसके ऊपर आप देख रहे हैं ये फल भी लगे हैं, ये है बेल का फल, बेल फल, ईगल मार्मिलास। और बहुत से फल जो हैं नीचे भी गिरे हुए हैं, जैसे आप देख रहे हो ये बेल का फल है, और ये बेल के फल का जो गिरे हुए फल हैं उनका ढेर भी यहाँ पे लगा हुआ है। हालांकि ये तो कच्चे ही पहले ही झर गए हैं, तो लेकिन औषधीय गुणों के लिए ये फल जो है इसका सेवन किया जाता है, मधुमेह के रोगी जो हैं उनको ये दिया जाता है इसके शरबत। तो ये एक सफ़ेद सेरिस है, अल्बिजिया प्रोसेरा। और ये जो फूल देख रहे हैं आप, फूल आ चुके हैं अर्जुन के, और पिछले साल के फल भी हैं इसमें, टर्मिनेलिया अर्जुना। ये यहाँ पे इस जगह पे हर संडे को, एतवार के दिन एक खीर का एक भोज दिया जाता है, खीर बनाई जाती है। जहाँ के गांव के लोग जब भी उनके घर में माल मवेशी का पहला दूध जो होता है वो जहाँ पे चढ़ा कर ही उसको सेवन करते हैं। तो ये संडे के दिन इसका जो खीर बनती है, और जितने भी श्रद्धालु आते हैं उन सबको खीर प्रसाद के रूप में दी जाती है। तो ये बाबा अवधुनाथ की स्थली, यहाँ पे सप्तपर्णी के पेड़ तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ही लगाए हैं, और यहाँ पे सुख चैन का पेड़ भी है, माइलेटिया पेनेटा, पोंगामिया पेनाटा। लेकिन इसके पीछे जो आप देख रहे हैं बहुत ऊंचा पेड़ जिसके ऊपर फल लगे हुए हैं वो है जंगली कदम्ब या कृष्ण कदम्ब, डोगरी में कैम, मित्रगैना पार्विफोलिया। तो ये ऐसी एक सेक्रेट ग्रोव है यहाँ पे, पेड़ों का कुंज है, जिसमें कई किस्म के पेड़, खास करके बरगद है, बरगद के चार पांच पेड़ हैं, पांच छह इसके सप्तपर्णी के पेड़ भी लगाए गए हैं, सुख चैन का पेड़ है, फिर कदम्ब के भी दो तीन पेड़ हैं, और ईगल मार्मिलास बेल के दो तीन पेड़ हैं, और तीन चार पेड़ इसके कोकोए के भी पेड़ हैं यहाँ पे, और सफ़ेद सिरिस है, अर्जुन है, कुछ आम के पेड़ हैं। तो ये एक सेक्रेट ग्रोव, जबकि हम इस साल वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे जो 22 मई को हम मनाने जा रहे हैं, तो ऐसी सेक्रेट ग्रोव्स
का भी हमने एक सर्वे किया है 75, चूँकि आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो 75 ऐसी जगहें, ऐसी स्थलियाँ, वन स्थलियाँ, सेक्रेड ग्रोव्स, यहाँ पे आस्था का केंद्र है और पेड़ों का भी एक संरक्षण जहाँ पे हो रहा है सदियों से, तो ऐसी जगहों को हम चिन्हित करके मैप में उसको लाना चाहते हैं। और अल्टीमेटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अगर लगता है कि यहाँ पे और भी एक स्पेस है जहाँ पे और पौधे रोपित कर सकते हैं, तो और पौधे भी रोपित किए जाएंगे जो धार्मिक आस्था से जुड़े हों। आंवला हो सकता है, हरड़, बहेड़ा, सीताशोक, मौलसरी का पेड़ लगना चाहिए, तो कई किस्म के पेड़ हैं। तो खास एक पेड़ जो आज हमने देखा आगे नाड में, उसको कहते हैं बंदर पापड़ी, हालोपटीलिया इंटेग्रीफोलिया, वो वाला पेड़ भी औषधीय गुण रखता है और फलों का हलवा भी बनता है, तो उस पेड़ को भी हम चाह रहे हैं कि इस बार नर्सरी में, पौधशाला में उसको भी लगाया जाए।